पूर्वी दिल्ली की बालाजी रामलीला कमेटी, जो पिछले कई वर्षों से सीबीडी ग्राउंड सूरजमल विहार में प्लॉट नंबर 8 पर रामलीला का आयोजन करती आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष वहां पर हनुमंत धार्मिक रामलीला का आयोजन हुआ था, लेकिन इस वर्ष इस स्थान पर कोई भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि जगह पर सहमति का न बनना अब संदिग्ध होता जा रहा है। आपको बता दें, ये जगह पहले से ही डीडीए की है और डीडीए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्लाट अलॉट करता है, जिसको ध्यान में रखते हुए बालाजी रामलीला कमेटी द्वारा माह जून में इसकी स्वीकृति ले ली थी। लेकिन रामलीला करने का जब समय नज़दीक आया तो हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी की तरफ से कोर्ट में एक आवेदन दिया गया कि इस जगह पिछली बार रामलीला का आयोजन हमने किया था और इस बार भी उनको इस स्थान पर रामलीला करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के दखल के बाद दोनों रामलीलाओं पर विराम लग गया है। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा आपको बता दें, कोर्ट के अंदर की एक वीडियो वायरल होने की बातें जरूर सामने आ रही है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर मानहानि का दावा कर रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले की तारीख 19 अक्टूबर को रखा है। फैसला आने के बाद ही ये तय हो पाएगा ये कौन सा पक्ष वहां रामलीला का आयोजन कर सकता है। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व है और जो धर्म विरोधी है, वास्तव में सनातन धर्म विरोधी लोग है ये। अगर इनको रामलीला करनी होती तो ये जून से जो इन्होंने साइड ओपन की है, ये जून में ही कोई ग्राउंड लीला करने के लिए इसके लिए प्रयास करते। जिस प्लाट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस प्लाट के लिए तो उन्होंने कोई आवेदन ही नहीं किया, ना उनके पास कोई लाइसेंस है, ना उनके पास कोई पुलिस की, ट्रैफिक की, अग्नि की, एमसीडी की कोई लाइसेंस। क्योंकि पहली प्रक्रिया होती है डीडीए का ग्राउंड बुक कराना और उसके पैसे जमा कराना, उसके बाद ये सारी चीजें मिलती है। इनके पास कुछ है नहीं। पिछले साल ये जो श्वेत गोयल है और नीलकमल है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है और इन्होंने जो हाईकोर्ट की अवमानना की है, चलती हुई अदालत में इन लोगों ने जिस प्रकार वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल की है, इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और अपने आप और न्यायालय का अपमान किया है। और उसमें जो बालाजी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष है भगवत रुस्तगी, उनको उनका ठेस पहुंची है, उनको दुख पहुंचाया है और उनका अपमान किया है। भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सनातन धर्मी लोगों का विनाश होगा और न्यायालय का हक बालाजी रामलीला कमेटी के पक्ष में होगा। और जैसे ही पक्ष होगा, हमें 2 दिन की रामलीला करनी पड़े या 3 दिन की रामलीला करनी पड़े, तो बालाजी रामलीला कमेटी अपना वो 19वां जो संकल्प है वो पूरा करेगी। सर, जो कोर्ट में वीडियो जो वायरल हुआ है, उसको लेकर आप कुछ संज्ञान ले रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं? मानहानि का मैंने सुना है। जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा, जो हमारे सम्मान में हाथ डालेगा, हमने इसकी शिकायत साइबर सेल में भी की है और मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी अदालत में कर रहा हूँ। से बात की जाए रामलीला को लेकर, इस बार हो रही है नहीं हो रही, ये थोड़ा सा संशय है, क्योंकि दोनों ही पक्ष कोर्ट में है, उनकी भी आज भी तारीख है। इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रामलीला एक ऐसा त्योहार भी है, क्योंकि लोग घर कोरोना के बाद से घर से बाहर निकल रहे थे और देखने के लिए कि क्या कुछ नया होगा, अब जो है रामलीला नहीं हो रही है, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं अगर पूर्वी दिल्ली की बात करूँ, मेरा जन्म स्थान यही है। मैं 1978 से पूर्वी दिल्ली में रह रही हूँ। उस जमाने में हम लोग पुरानी दिल्ली में लाल किले पर रात को बसेस में जैसे तैसे करके रामलीलाएं देखने जाया करते थे। पिछले लगभग 18 साल से हमारे क्षेत्र में जब रामलीलाओं का एक दौर शुरू हुआ, ज्वालानगर की रामलीला थोड़े दिन बाद विवेक विहार में आ गई, एक नई हमारे भगवान राम की कथा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिम्बॉलिक थी कि अगर रामलीला देखना है तो पुरानी दिल्ली आपको जाना होगा। ऑब्वियसली लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली हर किसी के लिए वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाती थी। यहाँ होनी शुरू हुई, नए नए समाज जुड़े, नए नए संगठन जुड़े, नए लोगों ने, सामाजिक लोगों ने आगे बढ़कर इसमें योगदान दिया। एक चीज, एक ट्रेंड शुरू हुआ, एक हुई, फिर दो हुई, फिर तीन हुई, फिर चार हुई। जो चीज जैसे ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मतभेद तो बहुत छोटी चीज है कहना, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, फिजिबिलिटी कई बार नहीं बैठ पाती है।
अभी मामला जो है सब जुडिशियल है, अभी इसके ऊपर फैसला आना बाकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कहूंगी कि रामलीलाएं ना होना सिर्फ और सिर्फ नुकसान है हमारे यहाँ की जनता का। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है तो ये कमी ये है कि हम सनातन धर्म का प्रचार जो बहुत धूमधाम से कर पाते थे वो शायद इस बार इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन हाँ, नुकसान ये सिर्फ और सिर्फ जनता का है। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। मामला अभी सब जुडिशियल है, पर हाँ ये गलत तो हुआ है। तो हम किस तरीके से देखेंगे कि लगातार जो है एक ही प्लॉट के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी रामलीला का दावा कर रहे हैं कि हमारी होगी हमारी होगी, तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि प्लॉट ये गवर्नमेंट से DDA से अलॉट होते हैं, सो आई थिंक इस बार का एपिसोड लेते हुए इसको एक उदाहरण की तरह मानते हुए DDA को अपनी गाइडलाइंस थोड़ी और स्ट्रिक्ट करनी चाहिए। DDA को ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट देना चाहिए कि कोई सा ग्राउंड आप जो बुक कराते हैं उसमें क्या पैरामीटर्स हों, किस तरह के हों, और यदि बुक हो गया है तो उसमें कुछ ऐसी पब्लिक नोटिसेज हों कि कोई और उसके बारे में ना सोचे। एक क्लैरिटी इसके ऊपर आनी बहुत जरूरी है ताकि इस तरह का जो एपिसोड इस साल हुआ है वो आगे आने वाले दिनों में ना हो। मैम, आप हनुमत रामलीला में मेंबर भी थी, तो किस तरीके से आप कर रहे थे कि किस तरीके से देखा जा रहा था, क्योंकि आप दोनों ही रामलीला में तनातनी बहुत ज्यादा बनी हुई है और सिर्फ एक प्लॉट को लेकर, क्योंकि DDA का अगर बात की जाए तो DDA का जो कहना है पहले आओ पहले पाओ, ऐसे में बालाजी रामलीला ने पहले किया, बुक किया, उसके बाद हनुमत रामलीला ने उनके ऊपर टेस्ट होगा कि हमें उसी ग्राउंड में कर दिया, तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा मोहित जी, ये बहुत जरूरी है कि DDA ने गाइडलाइंस तो पहले भी दी है, लास्ट ईयर भी दी थी, LG साहब ने भी दी थी, पर शायद वो इतने अच्छे पुख्ता तरीके से नीचे तक नहीं पहुंची जिस वजह से ये इस बार कंफ्यूजन हुआ है। मैं हनुमान धार्मिक रामलीला में संरक्षक के तौर पर थी एक साल के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थी, मैं एक जनप्रतिनिधि थी और उसी के नाते क्योंकि क्षेत्रीय रामलीला थी तो उसमें मुझे जोड़ा गया था। लेकिन किसी के लिए भी हो, मैं हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ सनातन के प्रचार की बात करती हूँ, सनातन धर्म को बढ़ाने की बात करती हूँ। किसी के भी माध्यम से वो धर्म का प्रचार होना चाहिए, इस बार नहीं हो रहा है तो ये बहुत दुखद है। इस समय मैं CBD ग्राउंड में खड़ा हूँ और ये वही ग्राउंड है जहाँ पर बालाजी रामलीला और बात करें हनुमत रामलीला दोनों मिलकर रामलीला करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बताया जा रहा है कि ये ग्राउंड DDA का है और DDA इसको अलॉट करता है, जिसमें DDA ने ये जून के माह में ही बालाजी रामलीला को जो है अलॉट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि हनुमत रामलीला ने इनके खिलाफ एक याचिका कोर्ट में दायर की और मामला कोर्ट में चला गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला का समय चल रहा है, कोर्ट में प्रोसीडिंग है, रामलीला दोनों रुक गई है, चाहे बालाजी हो चाहे हनुमत हो, दोनों रामलीला इस समय रुक गई है कोर्ट की दखल अंदाजी की वजह से, दोनों में रुक गए। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो जुड़कर सामने आ रही है इसी ग्राउंड को लेकर बालाजी रामलीला वालों का पक्ष आया है कि वो सबसे ज्यादा रामलीला 2005 से इस ग्राउंड में करते रहे हैं और उनको रामलीला वालों के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हनुमत रामलीला केवल एक बार हुई है और वो नई रामलीला जो है धार्मिक रामलीला जो है रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद से पिछले साल उन्होंने यहाँ पर एक रामलीला का आयोजन जरूर किया था। लेकिन विवाद इतना बड़ा कि वो रामलीला का जो रामायण का जो भाग होना था वो महाभारत में बदल गया और कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में सबसे बड़ी बातें निकल कर आ रही है कि कोर्ट के अंदर की जो प्रोसीडिंग थी वो बाहर आ गई है, कोर्ट की दखलअंदाजी की एक वीडियो को जो है वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्ष उससे नाराज है और नाराज होने की वजह से वो उसको लेकर मानहानि का दावा करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस वर्ष ये रामलीला हो पाएगी या नहीं। मैं परवेश शर्मा, सिटीजन पोस्ट, दिल्ली।